वेलकम टू सद्भावना न्यूज एंड पुनीत शर्मा। इंदौर के आसपास फर्नीचर क्लस्टर और खिलौना क्लस्टर की योजना जमीन पर आ चुकी है। अब दो नए क्लस्टर भी विकसित होंगे, एक प्लास्टिक और दूसरा ग्रीन एनर्जी क्लस्टर। चारों क्लस्टर का विकास पूरा कर 2022 में इन्हें शुरू करने की योजना प्रदेश सरकार की है। मध्य प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने शुक्रवार को ये बात कही। चारों क्लस्टर के जरिए करीब 30,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। फर्नीचर क्लस्टर के लिए बेटमा के पास जमीन चिन्हित हो चुकी है। 450 एकड़ पर यह क्लस्टर बनेगा। 150 करोड़ के निवेश की सहमति मिली है और इससे 12,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। खिलौना क्लस्टर के लिए रंगवासा में जमीन तय की गई है। 12 एकड़ जमीन पर बनने वाले खिलौना क्लस्टर में 70 करोड़ का प्रारंभिक निवेश तय हो चुका है। इसमें 4,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। दो नए क्लस्टरों में से प्लास्टिक क्लस्टर का विकास भी बेटमा के पास होगा। ये भी करीब 200 एकड़ में होगा, जबकि 300 करोड़ के निवेश की उम्मीद है। इससे 10,000 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इसी तरह नया ग्रीन एनर्जी क्लस्टर पुनासा के पास बनाया जाएगा। मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा की मौजूदगी में प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने इंदौर के उद्योगपतियों के सामने चारों क्लस्टरों पर प्रेजेंटेशन दिया। होटल रेडिसन में आयोजित प्रेजेंटेशन के बाद मंत्री ने कहा कि क्लस्टरों को जमीन देने के बाद खुद उद्योगपति एक कंपनी यानी SPV बनाकर क्लस्टर का विकास करेंगे। क्लस्टर से रोजगार भी बढ़ेंगे और प्रधानमंत्री का मेक इन इंडिया का मिशन भी पूरा हो सकेगा। चीन पर आयात की निर्भरता भी इससे कम होगी। उद्योग मंत्री ने कहा कि जो भी उद्योगपति क्लस्टर विकसित करना चाहते हैं वे जमीन चिन्हित करें, चाहे वह निजी भूमि हो या शासकीय। सरकार पूरा सहयोग करेगी। सांसद शंकर लालवानी ने भी इस मौके पर कहा कि इंदौर और प्रदेश अपनी लोकेशन का लाभ ले सकता है। इंदौर के पास जल्द ही 150 एकड़ में लॉजिस्टिक हब बनाया जाएगा। प्रेजेंटेशन में विभाग के प्रमुख सचिव व उद्योग आयुक्त पी नरहरि मौजूद रहे। दूसरे सत्र में रूफटॉप सोलर एनर्जी प्लांट को लेकर उद्योगपतियों को जानकारी दी गई। ऊर्जा सचिव विवेक पोरवाल ने बताया कि उद्योगपति अपने उद्योगों की छत सोलर प्लांट के लिए दें। विश्व बैंक की योजना के तहत उन्हें सस्ता लोन मिलेगा, एक भी रुपया खुद खर्च नहीं करना होगा। खास बात यह है कि इसके जरिए उन्हें खुद भी सस्ती बिजली मिल सकेगी और शेष बिजली प्लांट से अन्य जगह वितरित होगी, जिसका पैसा लोन की भरपाई के रूप में जाएगा। इससे प्लांट लगाने उद्योगपति और एजेंसी दोनों का फायदा है। ये योजना 8 से 10 वर्ष तक की होगी। उसके बाद बिना किसी शुल्क के प्लांट उद्योगों को हस्तांतरित किया जाएगा। सेमिनार में मंच पर AIMP के अध्यक्ष प्रमोद डफरिया, भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ के संयोजक योगेश मेहता भी थे। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।